हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ स्काई गर्ल एंड अनदर वीडियो। तो इन दिस वीडियो आई एम शोइंग यू हाउ टू रिमूव योर फेशियल हेयर विथ ईजी मेथड। एंड आई नो वी गर्ल्स लव्ड हेयर रिमूवल वीडियोज़, या आई नो, विच इज़ वेरी सेटिस्फाइड टू वॉच। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी आज रेजर के साथ फुल फेस हेयर रिमूवर का तरीका। तो इसके लिए मेरे को चाहिए कॉटन पैड, इसके साथ चाहिए एक अदद रेजर। वैसे तो मैंने आज से पहले ये वीडियो नहीं की, यानी इससे पहले मैंने कभी ख़ुद भी यूज़ नहीं किया अपने ऊपर। आपके साथ ही मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, सो आई एम सो एक्साइटेड। तो थोड़ा सा डर भी है कि ये क्रेज़ी मेथड आप समझ गए होंगे ना, या तो एलोवेरा जेल भी चाहिए होगा मैं अपने फेस के लिए, और मुझे कैसी फीलिंग आ रही है तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैंने इसका नाम रखा हुआ है क्रेज़ी मेथड। तो फर्स्ट मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लींस करा है, मतलब पूरे फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस के ऊपर जो है एलोवेरा जेल। और मैंने आपको बताया था इसके लिए हमें कॉटन पैड चाहिए, एक रेजर चाहिए, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, और एलोवेरा जेल भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो आपने इसको पूरे फेस को, मैंने जो है जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ कि एलोवेरा जेल अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, ठीक है। मैंने अपने फेस को कैमरे के बिल्कुल करीब किया हुआ है तो आपको, ताकि क्लियर हेयर्स जो है देखने को मिल जाएं, ताकि आपको बिल्कुल ऑनेस्ट और क्लियर तरीके से समझ आए कि आपको इससे फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। आपने पहले फुल फेस पे जैसे मैंने अप्लाई किया है एलोवेरा जेल, ऐसे लगाना है ताकि स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाए, या फिर आप कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र क्रीम भी ले सकते हैं। लेकिन आपने एहतियात करनी है कि ड्राई स्किन के ऊपर ये तरीका बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, कि प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान और स्लोली स्लोली करना है, क्योंकि यार हमारी स्किन का मामला है तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अच्छे से जो है ना, जिस तरह मैं इस वीडियो में शो कर रही हूँ आपके सामने, बिल्कुल लाइट अपने हाथों से जो है इसको इस तरह से रेज़र के साथ आपने करते जाना है। तो इस तरह से हम पूरे फेस को नीट कर लेंगे, और आपने जो है ना पहले पोर्शन बना लेना है, एक फोरहेड का, फिर एक लिप्स का, ठीक है। फिर आपने वन चिक्स फिर दूसरी, और फिर चिन, यानी कि चार हिस्सों में आपने पूरा डिवाइड करना है, पूरे क्लियर करना है। 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको करने में, लेकिन बाद में इतना अच्छा फील आएगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसके बाद। यकीन माने मेरा फेस बहुत ज़्यादा जो है नीट एंड क्लीन हो गया है बिल्कुल अच्छे से, और फेस बिल्कुल स्मूथ हो गया है, ठीक है। तो अब इसको पूरे मतलब पार्ट को हम अच्छे से जो है कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो पूरा स्किप नहीं करना आपने, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, वरना आपको समझ नहीं आना। लास्ट में फिर एक लाजमी बात बतानी है, वो भी आपने ज़रूर जो है सुननी है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर दें। देखिए मैंने बीच में एक मॉइस्चराइजर क्रीम भी अप्लाई किया ताकि थोड़ा सा, क्योंकि वो ड्राई हो गई थी तो मैंने और अप्लाई कर ली, ठीक है। भर भर के अप्लाई करनी है आपने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिन्होंने नहीं किया, और लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो जल्दी जल्दी इसको फास्ट कर देते हैं।
अच्छा जी, आफ्टर हमारे जो है हेयर रिमूवल्स के बाद रिमूवल करने के बाद इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ऑप्टीमल्स बाय ओरिफ्लेम का इवन आउट प्रोटेक्टिंग डे लोशन। तो ये मैं लगा रही हूँ अच्छे से पूरे फेस पे ताकि मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, और 15 मिनट के बाद मैं अपना फेस वॉश करूँगी। आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो एंड हेल्पफुल फॉर यू, सो डोंट गो विदाउट सब्सक्राइब माई चैनल गाइज एंड हिट द आइकॉन बेल एंड आइकॉन क्या बोल रही हूँ मैं बेल आइकन ऑल्सो। ठीक है जी, तो लव यू ऑल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो ये मेरा फाइनल है, तो आफ्टर जब मैं थोड़ा सा रेडी हो गई तो कितना प्यारा एंड फ्रेश लुक आया है। तो लव यू ऑल, बाय।